हम लोग को आज क्वेश्चंस करने थे सेंटर ऑफ मास पे बेस्ड, राइट? तो देखो क्या है पहला क्वेश्चन. थ्री पार्टिकल्स, थ्री पार्टिकल्स ऑफ मास 0.2 केजी, 0.3 केजी एंड 0.4 केजी आर सिचुएटेड एट द वर्टिसेस ए बी एंड सी. तो एक मास हो गया 0.2 केजी, दूसरा 0.3 केजी और तीसरा 0.4 केजी ए बी और सी पे है एट राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी विथ एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री. ये एंगल 90 डिग्री. ए बी इज 2 सेंटीमीटर, ये ए बी का लेंथ 2 सेंटीमीटर हो गया अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड बी सी इज 2.5 सेंटीमीटर. फाइंड द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम ए. तो डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम ए निकालना मतलब ओरिजिन के रेस्पेक्ट में हम लोग को निकालना. तो सेंटर ऑफ मास, एक्सक्यूज मी, सो सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए पहले तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं. इन दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है, इसका कोऑर्डिनेट निकालना होगा तो उसके लिए ये 2.5 है, ये 2 है. तो हमें पता है कि AC by Pythagoras theorem AC will be equal to root under BC square minus AB square. So that is root under BC square का मतलब 2.5 का square और ए बी स्क्वायर का मतलब 2 स्क्वायर, ठीक है. सो दिस इज 6.25 माइनस 4, सो विच इज इक्वल टू रूट अंडर 2.25. सो ए सी इज इक्वल टू 1.5 आ जाता है. सो दिस इज 1.5 सेंटीमीटर. ए सी का वैल्यू पता चल गया 1.5 सेंटीमीटर. अब इसका कोऑर्डिनेट अगर हम देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0.1.5. ये इसका कोऑर्डिनेट हो गया सी पॉइंट का. अब सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है, बी का पता है, ए का पता है. अब हमें पता है कि भाई एक्स सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू एम वन एक्स वन प्लस एम टू एक्स टू प्लस एम थ्री एक्स थ्री डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री. ये पहले दिन हम लोगों ने फॉर्मूला किया था फर्स्ट क्लास में, याद है ना बच्चों? यस सर. अब वैल्यूज डालते जाएंगे. M1 क्या है, A पॉइंट पे जो है उसको M1 मान लेते हैं. तो मतलब 0.2 इनटू इसका 0 हो गया x कोऑर्डिनेट प्लस M2 x2 मतलब 0.3 इनटू इसका x कोऑर्डिनेट क्या है, 2 है ना. 0.0 ये 2.0 तो 2 हो गया यहाँ पे x कोऑर्डिनेट प्लस 0.4 इनटू इसका x कोऑर्डिनेट 0 डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री मतलब 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.4. इसका वैल्यू निकालोगे x सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट इज 0.6 बाय 0.9. सो 0.6 बाय 0.9 इज इक्वल टू 2/3. अब द y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू एम वन वाई वन प्लस एम टू वाई टू प्लस एम थ्री वाई थ्री डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री. सो एम वन वाई वन, सो फर्स्ट वाला जो मास है हमारा ये 0.2 इंटू जीरो प्लस 0.3 इंटू जीरो प्लस 0.4 इंटू 1.5 डिवाइडेड बाय 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.4. सो y सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू 0.6 बाय 0.9 अगेन विच इज इक्वल टू 2/3. सो अब हमें क्वेश्चन में निकालना था डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम ए. तो मान लो सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पे है जिसका कोऑर्डिनेट हो गया 2/3, 2/3. तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे और ये सेंटर ऑफ मास का जो सी से जो डिस्टेंस है ए का वो निकाल लेंगे. तो सेंटर ऑफ मास, सॉरी सी मत लो, सी वहां पे ऑलरेडी है, ओ ले लेते. सो लेट सेंटर ऑफ मास बी एट ओ, देन एओ इज इक्वल टू रूट अंडर 0-2/3 का होल स्क्वायर प्लस 0-2/3 का होल स्क्वायर 4/9 प्लस 4/9
8 बाई 9 हो गया, सो दिस इज 2 रूट 2 बाई 3. सो इससे जो सेंटर ऑफ मास और ओरिजिन के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज 2 रूट 2 अपॉन. क्लियर है बच्चों? यस सर. यस सर. लिख लिया. 2 रूट 2 सेंटीमीटर राइट? यस सर. हाँ जी सेंटीमीटर, सब चीज सेंटीमीटर में है ना, तो ये भी सेंटीमीटर. ओके सर. लिख लिया बच्चों? लिख लिया ना सभी ने? यस सर. नेक्स्ट पे चलते हैं. फिगर 5A.11 शोज अ यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट फ्रॉम विच फोर आइडेंटिकल स्क्वायर्स एट द कॉर्नर्स कैन बी रिमूव्ड. तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो छोटे छोटे स्क्वायर्स हैं कॉर्नर से, ये हम लोग रिमूव कर लेते हैं, एक एक करके रिमूव करते हैं. Now, from which four identical squares at the corners can be removed, where is the center of mass of the plate originally? जब पूरा square तो originally कहाँ पे था? O पे था. तो A part at O. B. Where is it after square one is removed? अब इसको हम लोग ने रिमूव कर दिया. इसको जब हम लोगों ने रिमूव किया तो अब बिकॉज इधर कम हो गया तो ये कहाँ पे आ जाएगा? कुछ इस तरफ पहुंच जाएगा. राइट right? So somewhere here would be the center of mass. So it will be in the third quadrant basically. Okay. So center of mass is in. हम लोगों को बस बताना है कि किस क्वाड्रेंट में कितना डिस्टेंस और ये सब नहीं पता. सी पार्ट में वेयर इज इट आफ्टर स्क्वायर वन एंड टू आर रिमूव. जब वन और टू दोनों को रिमूव करते हैं राइट right? तो उस केस में अब क्या हो गया कि ऊपर से दोनों जगह हट गया तो ये थोड़ा सा इसके नीचे आ जाएगा. तो ऑन y y डैश बिलो ओ. डी पॉइंट वेयर इज सेंटर ऑफ मास आफ्टर स्क्वायर वन एंड थ्री आर रिमूव. अब देखो अब वन और थ्री को रिमूव करोगे, इसको और इसको जब रिमूव करते हैं तो बेसिकली आइडेंटिकली है, सेंटर ऑफ मास फिर से ओ पे ही होगा. At O only. Symmetrically तुमने हटा दिया ना तो symmetrical point फिर O ही बचता. E point where is the center mass after square 1, 2 and 3 are removed. अब 1, 2, 3 remove कर दोगे right? तो center of mass कहाँ पे? Fourth quadrant में पहुंच जाएगा. So fourth quadrant. So in fourth quadrant. F point है, where is the center of mass after all the four squares are removed. चारों square को अगर हम लोग remove कर देते हैं तो at O only. तब फिर से ये चारों square remove हो गया तो फिर से ये basically identical हो गया, symmetrical हो गया, तो O point पे ही center of mass चला गया. ठीक है बच्चों? Just a second. Next one is three bodies A, B, C having masses 5 kg, 10 kg and 15 kg respectively are projected from the top of a tower with a vertical velocity with A vertically upward with 10 meter per second
बी विथ 20 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 53 डिग्री अबव हॉरिजॉन्टल टूवर्ड्स ईस्ट एंड सी विथ 15 मीटर पर सेकेंड हॉरिजॉन्टली टूवर्ड्स साउथ. फाइंड द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम. तो पहले तो ये देखो थ्री डायमेंशनल फिगर होगा. ये x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये z एक्सिस. थ्री बॉडीज ए बी एंड सी हैविंग मासेस 5 kg, 10 kg एंड 15 kg आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर. मान लो ये टॉप ऑफ द टावर पे है, यहां से विथ ए वर्टिकली अपवर्ड विथ 10 m/s. ए को हम लोग ऊपर भेज रहे हैं इधर 10 m/s के स्पीड से, ठीक है. और ए वाले का जो मास है दिस इज इक्वल टू 5 kg, ठीक है. ये ए हो गया. उसके बाद बी विथ 20 m/s एट एन एंगल ऑफ 53 डिग्री अबव हॉरिजॉन्टल टूवर्ड्स ईस्ट. अबव हॉरिजॉन्टल टूवर्ड्स ईस्ट की तरफ, ये वाला जो डायरेक्शन होगा ये ईस्ट है लेट्स से. तो 53 डिग्री पे टूवर्ड्स ईस्ट ये बी पॉइंट होगा. बी पॉइंट का वेट जो है ये 10 kg. उसके बाद सी विथ 15 m/s हॉरिजॉन्टली टूवर्ड्स साउथ. सी को इधर हम भेज रहे हैं साउथ के तरफ, राइट. सो सी टूवर्ड्स साउथ, सी का जो मास 15 kg और स्पीड जो है 15 m/s और ये था 20 m/s. क्लियर है? सो देखो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं m1 इज इक्वल टू 5 kg, v1 इज इक्वल टू वेक्टर फॉर्म में अगर हम लोग लिखते हैं तो 10k हो जाएगा, ठीक है. z एक्सिस की तरफ है तो 10k हो गया. उसके बाद मास m2 इज इक्वल टू 10 kg, v2 इज इक्वल टू ये v1 वेक्टर है, v2 वेक्टर को लिखेंगे तो इसको बेसिकली yz प्लेन में इसको हम लोग कंपोनेंट निकालेंगे. y के अलोंग क्या हो जाएगा बेसिकली 20 cos 53 degree, 20 cos 53 degree j और ऊपर हो जाएगा 20 sin 53 degree के, ठीक है. और उसके बाद तो इसका वैल्यू तुम निकाल लो. कॉस 53 डिग्री होता है 3/5, 20 × 3/5 जे प्लस साइन 53 डिग्री होता है 4/5, 20 × 4/5 के, 5 4 times 12J प्लस 16K, ये हमारा V2 हो गया. उसके बाद M3 इज इक्वल टू 15 kg, एंड V3 इज इक्वल टू X एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है 15 m/s से तो 15i हो जाए. क्लियर बच्चों? अब जो हमें निकालना है फाइंड द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास. सो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, इसका फॉर्मूला हम लोगों ने देखा है m1v1 प्लस m2v2 प्लस m3v3 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3. m1v1 मतलब 5 times 10k प्लस 10 times 12j प्लस 16k प्लस
15 times 59 divided by 5 plus 10 plus 15. So इससे हमारा हो जाएगा 50k plus 120j plus 160k plus of 225i divided by 30. So this is equal to 225 upon 30i plus 120 upon 30j plus 210 upon 30k. इसको कैंसिल कर दो, 34 टाइम्स हो गया, 37 टाइम्स हो गया. सो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 225 बाय 30 7.5i प्लस 4j प्लस 7k. ठीक है, ये हमारा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास हो गया. ठीक है, अब हमें एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास भी बोला है. एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास, देखो जो फर्स्ट वाले के लिए एक्सेलरेशन कितना, उस तीनों को हम हवा में ही छोड़े भाई, बिल्डिंग के ऊपर से छत पर से ही तो फेंक रहे हैं, प्रोजेक्टेड फ्रॉम टॉप ऑफ ए टावर. तो ए वन भी क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 9.8 k. ए टू भी है आपका, सो ए टू जो एक्सेलरेशन वेक्टर होगा ये भी माइनस 9.8 k है, और ए थ्री भी जो इस पे लग रहा है this is equal to minus 9.8 k. clear बच्चों? yes sir. अब same चीज हम लोग same formula लगाएंगे, अगर acceleration of center of mass is equal to m1 a1 प्लस एम टू ए टू प्लस एम थ्री ए थ्री डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री. बिकॉज ए वन ए टू ए थ्री तीनों बराबर है, ठीक है, तो तीनों बराबर है तो उसको कॉमन लेके बाकी एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री कट जाएगा. सो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास तुमको माइनस 9.8 k ही मिलेगा. क्लियर बच्चों? यस सर. लिख लिया सबने? यस सर. यस सर.
We have first question. Two identical uniform rods of length L are joined to form L-shaped frame. तो दो यूनिफॉर्म रॉड को हम लोगों ने ज्वाइन कर दिया, दोनों का लेंथ L है, है ना? दोनों का लेंथ L है, right? So they are joined to form L-shaped frame as shown. Locate the center of mass of the frame. भाई पहले तो इस वाले रॉड का सेंटर ऑफ मास देखेंगे, तो ये इसका ये पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इस वाले का सेंटर ऑफ मास ये हो जाएगा 0, L/2 हो गया। उसी तरह इस वाले नीचे वाला जो L शेप रॉड है उसका सेंटर ऑफ मास देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा L/2, 0 P पॉइंट का कोऑर्डिनेट। तो अब ये जो है बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, इसको x एक्सिस मान लेते हैं, इसको y, इसको ओरिजिन ले लेते हैं। अब हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, जो जो रॉड्स हैं उसको अब हम लोग पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। सो यहाँ पे इस रॉड का जो मिड पॉइंट होगा उस पे एक हम रखेंगे कि पॉइंट मास एक यहाँ पे रखा हुआ है, दूसरा पॉइंट मास यहाँ पे रखा हुआ है क्यू पे। अब हमें पता है एक्स सेंटर ऑफ मास, सो बेसिकली x coordinate of center of mass will be equal to m1 x1 plus m2 x2 divided by m1 plus m2। अब दोनों का मास m1 और m2 दोनों m ही है, इक्वल है। सो व्हाट इज गिवन इज सिंस m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m मान लेते हैं, राइट? और जो x1, y1 है पहले वाले रॉड का, ये हम लोग मान लेते हैं x1, y1। सो ये क्या हो गया हमारा L/2, 0। और ये दूसरा मान लेते हैं x2, y2। तो x2, y2 इज इक्वल टू 0, L/2, ठीक है। नाउ x सेंटर ऑफ मास ये है, मतलब m × L/2 + m × 0 डिवाइडेड बाय m + m। सो दिस विल बी इक्वल टू m/2 m L/4 हो गया, ये x सेंटर ऑफ मास। उसी तरह y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज m1 y1 + m2 y2 divided by m1 + m2। So y coordinate of center of mass is m1 y1, मतलब m × y1 कितना है 0, plus m2 मतलब m × y2 क्या है L/2 divided by m + m। सो ये कितना हो जाएगा L/4 हो जाएगा। सो लोकेट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द फ्रेम, x सेंटर ऑफ मास y center of mass is equal to L/4, L/4। क्लियर है बच्चों? यस सर। लिख लिया आप लोगों ने?
Yes, sir. Yes, sir. इस क्वेश्चन में फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ थ्री पार्टिकल्स एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल द मासेस ऑफ द पार्टिकल आर 100 ग्राम 150 ग्राम एंड 200 ग्राम ठीक है ना अब ये जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है तुम लोग कैसे भी इसको प्लेस कर सकते हो राइट लेट्स से हम लोग ऐसे प्लेस करते हैं कि एक वर्टेक्स यहाँ पे आता है दूसरा इधर और तीसरा इधर ये तीन पॉइंट है सो सेंटर ऑफ मास ऑफ थ्री पार्टिकल्स तो ये एक्स एक्सिस हो गया ये वाई एक्सिस हो गया ठीक है फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ थ्री पार्टिकल एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ये हो गया 0.0 द मासेस ऑफ द पार्टिकल आर 100 ग्राम 150 ग्राम एंड 200 ग्राम्स रेस्पेक्टिवली ठीक है सो इसको हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं 100 ग्राम है ठीक है 150 ग्राम यहाँ वाले को 150 ग्राम पॉइंट ए हो गया बी हो गया और सी वाले को हम लोग 200 ग्राम कंसिडर करते हैं बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर देखोगे तो दिस इज 0.5.0 क्योंकि इसका लेंथ 0.5 है 0.5 0.5 and 0.5 सो अब इक्विलैटरल ट्रायंगल तो परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे इसका मिड पॉइंट पे आएगा तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0.25.0 है ना इस पॉइंट का निकालना है तो अब देखो ये जो लेंथ है ये हो गया 0.25 तो हमें ये हाइट निकालना है मान लो ये पॉइंट सी मान डी मान लेते हैं तो बेसिकली सी डी इज इक्वल टू रूट अंडर ए सी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर सो दिस इज इक्वल टू 0.5 स्क्वायर माइनस 0.25 स्क्वायर सो दिस इज 0.5 स्क्वायर माइनस 0.25 स्क्वायर 0.1875 होगा ठीक है ये हमारा सी डी का वैल्यू हो गया अब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखना होगा 0.25, 0.1875 सो दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी सेंटर ऑफ मास निकालना है एक्स सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1x1 m2x2 plus m3x3 डिवाइडेड बाय m1 plus m2 plus m3 m1x1 100 ग्राम है बिकॉज ये मास का कोई ये रोल नहीं है यहाँ भी नीचे भी मास है ऊपर भी मास होगा कैंसिल आउट हो जाएगा मतलब जो यूनिट है तो यूनिट को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है इसको यहाँ पे तो 100 इंटू 0 प्लस एम टू यहाँ पे 150 इंटू 0.5 एम थ्री इज 200 इंटू 0.25 डिवाइडेड बाय m1 plus m2 plus m3 100 plus 150 plus 200 so this is 150 into 0.5 is 75 200 into 0.25 is 50 450 75 plus 50 is 125 by 452 so this is 5 by 18 मीटर क्लियर है बच्चों
उसी तरह y सेंटर ऑफ मास निकालना होगा. सो दिस इज m1y1 प्लस m2y2 प्लस m3y3 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3. सो y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास m1y1 यहाँ पे 100 इंटू 0 है, m2y2 150 इंटू 0 है, प्लस m3y3 200 इंटू 0.1875 डिवाइडेड बाय 450. सो दिस इज सेंटर ऑफ मास का जो कोऑर्डिनेट है वो हो जाएगा 0.1875, 0.083. x कोऑर्डिनेट 5/18 है ना? हाँ, सॉरी 5/18 ये यहाँ पे निकाल दो. कुछ गड़बड़ हम लोगों ने कर लिया, एक मिनट. 0.5 स्क्वायर माइनस 0.25. अच्छा, इसका स्क्वायर रूट भी था ना बेटा, ये थोड़ा चेंज कर लेना इसको. ये स्क्वायर रूट होके 0.433 आता है, यहाँ पे 0.433 आ जाएगा. क्लियर है बच्चों? यस सर. लिख भी लिया सबने? यस सर. हो गया बच्चों? यस सर. यस सर. अब थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म एल शेप्ड लैमिना. ठीक है, अ थिन फ्लैट प्लेट. लैमिना मतलब पतला सा एक प्लेट जैसा चीज, उसको लैमिना कहते हैं. विथ डायमेंशंस एज शोन इन द फिगर, द मास ऑफ द लैमिना इज 3 kg. ठीक है, तो इस पूरे लेमिना का मास 3 kg है. तो हमने क्या किया, इसको तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया. हमें क्वेश्चन में इस तरह का एक लेमिना दे रखा था एल शेप का,
हमने क्या किया, इसको तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया, तीन इक्वल पार्ट। तो ये एक स्क्वायर शेप हो गया, ये एक स्क्वायर शेप हो गया और ये एक स्क्वायर शेप, ठीक है, विद डायमेंशंस एज शोन इन द फिगर। तो ये देखो यहां से यहां तक 0.1 है, ये 0.2 है, मतलब ये भी डिस्टेंस, ये डिस्टेंस बराबर है। उसी तरह ये 1.0, 2.0, तो ये भी डिस्टेंस बराबर। ये चारों क्या हो, तीनों क्या हो गए, स्क्वायर्स हो गए अलग अलग, ये तीन स्क्वायर्स हो गए। अब इन तीन पार्ट का अलग अलग सेंटर ऑफ मास निकाल लेते हैं, पूरे फिगर का सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो इसको हमने तीन पार्ट में डिवाइड कर लिया। जो पहला पार्ट है उसका सेंटर ऑफ मास इसके इस वाले स्क्वायर के सेंटर पे लाई करेगा, दूसरे का सेंटर ऑफ मास सेकेंड वाले स्क्वायर के सेंटर पे, और तीसरे का सेंटर ऑफ मास थर्ड वाले स्क्वायर के सेंटर। अब ये बिकॉज 0.0 और 1.0 है, ये सेंटर पे है, तो यहाँ पे अगर पॉइंट्स देखोगे तो ये बेसिकली ये वाला पॉइंट 1/2, तो C1 पॉइंट का अगर कोऑर्डिनेट देखोगे सो दिस विल बी व्हाट 1/2, 1/2। C2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट करना है तो ये पॉइंट क्या आ गया, यहाँ से यहाँ तक 1 और 1/2, तो 3/2 हो गया, और Y कोऑर्डिनेट तो सेम ही रहता है, तो C2 पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है दिस इज 3/2, 1/2। C3 पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है वो 1/2 होगा, y कोऑर्डिनेट 3/2 होगा, तो C3 इज इक्वल टू 1/2, 3/2। ये समझ में आया सभी को? यस सर। अच्छा, ये C1 C2 C3 पता करने के बाद इनका जो कोऑर्डिनेट्स है, अब हमें कह रहा है द मास ऑफ द लेमिना इज 3 kg, पूरा मास इसका 3 kg है, तो इस वाले पार्ट का 1 kg हो गया, इस वाले का भी 1 kg और इस वाले का भी 1 kg, तीनों का 1 kg मास हो गया। अब मास आपको सेंटर ऑफ मास निकालना है, सेंटर ऑफ मास x, सेंटर ऑफ मास x कोऑर्डिनेट पहले निकाल लेते हैं, m1x1 m2x2 plus m3x3 डिवाइडेड बाय m1 plus m2 plus m3। m1x1 सो मतलब 1 into 1/2 plus m2x2 1 into 3/2 plus m3x3 1 into 1/2 divided by m1 plus m2 plus m3 1 plus 1 plus 1, so this is 1/2 plus 3/2 plus 1/2, so this will be 5/2 divided by 3, matlab which is equal to 5/6 ho gaya center of mass yahan pe, hai na। ab y center of mass usi tarah se m1 y1 m2 y2 m3 y3 divided by m1 plus m2 plus m3, so जो center of mass है y coordinate उसका m1, मतलब फिर से 1 into y1 है 1/2, m2 1 into 1/2, m3 1 into 3/2 divided by m1 plus m2 plus m3, मतलब 1 plus 1 plus 1, so again 5/6 हो गया। so center of mass का जो coordinate है that will be 5/6, 5/6। Is it clear?
क्लियर है बच्चों, लिख लिया सबने? यस सर। फोर्थ क्वेश्चन है, फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ टी शेप्ड, फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द टी शेप्ड प्लेट फ्रॉम ओ। तो ओ पॉइंट से मेजर करके हमको टी शेप्ड प्लेट का सेंटर ऑफ मास निकालना, ओ पॉइंट से क्या डिस्टेंस। इसको क्या करो, दो रॉड में बांट लो, एक ये हॉरिजॉन्टल वाला और दूसरा ये वर्टिकल वाला। ठीक है, हॉरिजॉन्टल वाले का सेंटर ऑफ मास O1 पे है, वर्टिकल वाले का सेंटर ऑफ मास O2 पे है। अब ये 2 मीटर और 6 मीटर हो गया और ये 2 मीटर और 8 मीटर हो गया। मान लो इसका, ठीक है, प्लेट का जो एरिया है, राइट, सो मास पर यूनिट एरिया जो है यहाँ पे पहले वाले का, मतलब पूरे जो ये पूरा जो मटेरियल से टी शेप बना हुआ है मेटल से, तो मास पर यूनिट एरिया इज इक्वल टू, लेट मास पर यूनिट एरिया इज इक्वल टू सिग्मा। ठीक है, सो मास पर यूनिट एरिया सिग्मा हो गया। अब मास ऑफ द फर्स्ट रॉड M1 विल बी इक्वल टू मास पर यूनिट एरिया इनटू एरिया, दैट इज 8 इंटू 2, 16 सिग्मा हो गया। M2 मास ऑफ द सेकेंड रॉड, ये तो हमारा M1 हो गया और ये जो दूसरा रॉड है M2 हो गया, इसका मास इज सिग्मा इंटू एरिया 6 इंटू 2 हो गया, सो दिस इज 12 सिग्मा, राइट। अब इसका O1 जो सेंटर ऑफ मास पहले वाले का मास का है, सेंटर ऑफ मास विच इज इक्वल टू, अगर हम लोग इस पॉइंट के अबाउट O पॉइंट से डिस्टेंस निकालना है, तो यहां से अगर इसका डिस्टेंस y1 है, ठीक है, सो O1 का डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ O1 फ्रॉम O इज इक्वल टू y1 विच इज 1 मीटर, बिल्कुल इसके मिड पॉइंट पे होगा 1 मीटर के डिस्टेंस पर। और ये 2 और इसका जो यहां से यहां डिस्टेंस है सेंटर ऑफ मास का, इधर से इधर डिस्टेंस, ये इसका हाफ होगा, मतलब ये 3 हो गया, 3 प्लस 2 ये टोटल 5 हो गया, सो डिस्टेंस ऑफ O2 फ्रॉम O इज इक्वल टू y2, ये हो जाएगा y2 इज 3 प्लस 2 5 मीटर। अब हमें पता है सेंटर ऑफ मास का जो डिस्टेंस निकालते हैं फ्रॉम ओ, डिस्टेंस ऑफ, लेट डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम ओ बी वाई, सो y इज इक्वल टू m1 y1 प्लस m2 y2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। m1 y1 तो पहला वाले का मास 16 सिग्मा, y1 इज 1, 12 सिग्मा इंटू 5, 16 सिग्मा प्लस 12 सिग्मा, सो ये हो गया 16 सिग्मा प्लस 60 सिग्मा, 16 प्लस 12 करेंगे 28 सिग्मा, 60 प्लस 16 इज 76 सिग्मा divided by 28 sigma, four seven times 19 times, so this is 19 by 7,
19 बाय 7 अगर हम लोग निकाले 2.7 क्लियर बच्चों? यस सर, इसको लिख लो. हो गया सर. तो आज हम लोग यहीं पे रुकेंगे, है ना. अब 5 मिनट बाद मैथ्स की क्लास स्टार्ट करेंगे. तो लिख लिया, मुझे कुछ पूछना था. हाँ दिव्या सर, वो जो एच सी वर्मा करनी थी हमें आईटी वाले के लिए, उसमें हमें क्वेश्चंस लिखने थे या नहीं? नहीं, क्वेश्चन नहीं लिखने की जरूरत है, बस आंसर आंसर लिखना है, क्वेश्चन नंबर लिखना है. बाकी जो इधर उधर से हम काम देते हैं उसमें क्वेश्चन लिख लिया करो, अगर कोई अच्छा क्वेश्चन ऐसा रहता है तो. यस सर, ओके. एच सी वर्मा लिख लेना कि एच सी वर्मा के क्वेश्चन. ओके सर, ठीक है. ठीक है बच्चों, चलिए. थैंक यू सर. लिख लिया सबने? यस सर. हाँ सर. चलिए, बाय एंड टेक केयर देन.